गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत जल्दी, इट्स टाइम 5 AM। जैसे कि पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, वेट लूज जर्नी चल रही है और उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी उठा हूँ, नॉर्मल रूटीन शुरू कर दिया है। और ये सुबह का टाइम, और देखिए किस तरह से इतना शांत, और सामने की तरफ दिखाता हूँ क्लाउड्स के कलर्स, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने कोई पेंटिंग करी हो। वो देखो, जस्ट लुक एट दिस गाइस। सो करते हैं दिन की शुरुआत, करते हैं वर्कआउट और मिलते हैं आपसे फिर आफ्टर वर्कआउट। सो गाइस, ऑलमोस्ट वर्कआउट ओवर हो गया है। द टाइमिंग ऑफ वर्कआउट वॉज नियर बाई 1 hour and 15 minutes। तो वर्कआउट ओवर, और अभी कर रहा हूँ सूर्य देवता जी की वेट। सनराइज होगा वो देखेंगे, और उसके बाद चलूँगा नीचे, थोड़ी रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे और फिर करते हैं अगले आज दिन की शुरुआत। अगर क्लाउड्स नहीं हुए तो कोशिश करूँगा आप सबको भी सनराइज़ दिखाने का ट्राई करता हूँ। सो गाइस, लग रहा है आज क्लाउड्स हैं, बाकी देखते हैं। तब तक ऐसा करते हैं, अब चलते हैं नीचे और झूले बैठ के वहाँ करते हैं वेट। सो फाइनली गाइस, आ गया हूँ नीचे और करूँगा थोड़ी देर रेस्ट। पर बहुत मुश्किल था ये जर्नी शुरू करना, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जो शेड्यूल रहता था, सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, बिना एक्सरसाइज दिन शुरू कर दिया, खाया पिया, मौज की, शाम को भी ऐसे, रात को सोने का टाइम 10-11। पर लास्ट 2 मंथ से जब से ये ठाना हुआ है कि वेट को कंट्रोल करेंगे, तब से सुबह उठ जाता हूँ 4:30-4:35 पे, और दिन की शुरुआत प्रॉपर वर्कआउट से, प्रॉपर डाइट से। और रात को भी जो सोने का टाइम है वो भी चेंज हो गया है, लगभग 9:15 सो जाता हूँ, तभी उठ जाता है अगले दिन 4:30-4:35 पे। तो अच्छा लग रहा है, अब आदत पड़ गई है, खुद भी अब सुबह बिना अलार्म से भी उठ जाते हैं। तो चलिए, लगता है अब आज सूर्य देवता तो आएंगे नहीं क्योंकि क्लाउड्स हैं। तो चलते हैं, अब नहाते हैं और करते हैं अगले दिन की आज की शुरुआत। और गाइज, मेरी तरफ से मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं मुस्लिम, मेरे भाई, उन सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकें। तो चलिए गाइज, अभी निकलते हैं, आज स्कूल तो जाना नहीं है, छुट्टी है, तो जल्दी से रेडी होता हूँ। और उसके बाद एक फ्रेंड के पास जाना है, आज बुलाया उन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली स्कूल से टाइम नहीं लगता है, तो आज ईद की वजह से और अक्षय तृतीया की वजह से, त्यौहार की वजह से आज छुट्टी है, तो इसलिए चलते हैं आज अपने फ्रेंड के पास, थोड़ा सा सामान भी लेना है उससे, और उस बहाने से उससे मिलकर भी आएंगे। चलें फिर। आपको नहीं लेके जाऊंगा मैं आज, आज आपके स्कूल की हॉलीडे है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी पहुंचा हूं मोहित जी के शॉप पे, जो कि है आंब में। वो इस वजह से कि पिछले 4-5 महीने से इनको बोल रहा था कि मेरे फ़ोन के कवर ला दो, तो फाइनली आज ये मुस्कुराहट बता रही है आपको कितने टाइम से मैं बोल रहा था, फाइनली आज कवर आए हैं मेरे फ़ोन के। सो देखते हैं कौन सा अभी पसंद आता है, ये अच्छा लग रहा है कुछ। सो करते हैं इसको फाइनल। हैं, कवर ही कवर, बड़ी जल्दी आ गया ना कवर, 4 दिन में आ गया ना, 2 दिन में, हाँ 2 दिन में आ गए। चलिए गाइज, कवर लेते हैं, और एक सोच रहा हूँ कोई एक्सेसरी, ईयरफोन्स, क्योंकि एप्पल के साथ एप्पल ही कनेक्ट होगा। तो देखते हैं इसको, ओरिजिनल है भाई? हाँ। तेरे वन को? मेरे वन को ओरिजिनल। पक्की गल है? पक्की गल है, पक्की बार है। हाँ, वारंटी पूरी है?
तीन साल की वारंटी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। सो गाइज ये वाला कवर हुआ है फाइनल, ठीक ठीक ही लगा। कितने का? 800 ओरिजिनल मैक्स। देख लो भैया ये है अपने यार दोस्त, 800 रुपए का कवर है जी। चलो कोई नहीं दे देता हूँ आपको, गूगल पे करता हूँ 80 रुपए। और ये कितने का है? एक ये किया गाइस फाइनल 9000 का। 9000 का ऑनलाइन कितने का है? 9000 का। मेरे लिए कितने का है? 9000 का। चलो कोई नहीं, 1000 रुपए का। गाइस ये हो गई आज की शॉपिंग, न्यू एयरपोड्स एंड न्यू कवर फॉर माय आईफोन। चलते हैं अब फटाफट से घर की तरफ लेके ये आईफोन्स और देखेंगे इसको चला के कैसी साउंड आती है इसमें। अभी आया था मैं अमित जी के पास, गाड़ी का वाइपर मंगवाया था इनसे, और इन बिटवीन ये अंकल जी बाबा जी आए हैं, इनके पास नाग देवता जी होते हैं। चलिए आप सबको भी दर्शन करवाते हैं नाग देवता के। बाबा जी बता रहे हैं क्या किया वो इसका? इधर दंद खट्टा कीता था। अच्छा हाँ। फिर डर नहीं होता कोई भी? ठीक है पमा गल च पाई फिर। अच्छा जी वो डर लगता है भैया हमें। लो गाइस करिए नाग देवता जी के दर्शन। अरे अरे जय हो। ले भी मेरे भोले भर दे इन दे झोले, बाबा दुख ते तोड़ दे सदा इन दे दुख, सुख शांति दवी बाबा भोलिया, मनो मुरादा इन दियां पूरियां करी, सुख शांति मिले घर परिवार दे विच, ढेडी बल्ले बल्ले हो जाए ते ढेडी जाए जाए कार हो जाए। ले रे नाग देवता हट 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 कुंडली जोड़ा काली बिल्ली दी जेर ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਪ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ 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 ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਇਹ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਲੇਤੇ ਹੈ? ਕਹ ਰਹੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋ। ਓ ਰਾਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ। ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਦੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ। सभी को जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए। अच्छा महाराज ने तंदुरुस्ती दे मालिक भोले शंकर महामाई ज्यादा ही दबे। फ्रेंड्स अभी हमारा ये एक यहाँ शॉप है इनकी, सैलून है। तो आज ईद है तो भाई को हम ईद की मुबारक देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत मुबारक। तो ईद पे आज क्या कर रहे हो? कुछ ऐसा किस तरह मना रहे हो? सही मना रहे हैं। क्या करोगे? कुछ नया भी तो करोगे, जब कोई त्योहार होगा तो कुछ तो करोगे। करेंगे जैसे हम लोग दिवाली पे लाइटनिंग दिया क्रैकर मिठाइयाँ, आपके में क्या करते हैं आप? हमारे में यही करते हैं, मतलब पटाखे नहीं चलाते हैं ना। पटाखे नहीं चलाते और शाम को खाना पीना होता है हमारा, स्पेशल है ना। तो पूरी मौज ले रहे हो आज। बकरा मुबारक है, बहुत बहुत आपको। बकरा बनेगा।